बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग की दुनिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ व्यूवर्स चिकन ड्रम स्टिक, जिसके लिए मुझे चाहिए ये हाफ के जी चिकन ड्रम स्टिक है कि मेरे पास 6 लेग पीस हैं इसमें तकरीबन, और ये मसालों में है मेरे पास 1.5 पीसी मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है, और ये 1/2 टीस्पून जीरा है पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला और 1/2 टीस्पून हल्दी है, और ये थोड़ा सा हरा धनिया है और 2 हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप करी हुई, 1 टेबल स्पून है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अंडे हैं कोटिंग के लिए इस्तेमाल होंगे, मैदा है और ब्रेड क्रम्स हैं, 2 टेबल स्पून हम ऑयल डाल के इसमें चिकन डालेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून किसी भी अदरक और लहसुन, इसको थोड़ा सा भूनेंगे ऑयल में, इसमें चिकन लेग पीस को हम इसमें थोड़ा सा भूनेंगे जब तक कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज ना हो जाए, साइड चेंज करते रहेंगे इसकी। पहले भून लेंगे, ठीक है ना, चलो इसका चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। व्यूअर्स, इसका कलर चेंज हो गया चिकन का, अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी, पहले थोड़ा पानी डाले फिर मैं मसाले डालती हूँ। सिवाय नमक के हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, नमक हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसमें मसाले डाल के हम चिकन, ये देखिए हमने सारे मसाले डाल दिए, सिर्फ हमने नमक रोक लिया, नमक हम बाद में डालेंगे। ये देखिए पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 15 से 20 मिनट हम इसको गलाएंगे थोड़ा चिकन को, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह ढक के छोड़ देंगे, देखो नमक मिर्च आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, मैंने अभी थोड़ा सा नमक कम लिया है इसलिए आप, मैं बाद में चेक करूँगी उसके बाद में आपको बताऊँगी। बस अब हम इसको ढक के रख देंगे, 15 से 20 मिनट में चिकन गल जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन लेग पीस देखिए बिल्कुल टूट गई है, बॉडी गल गई है। अब हम इसको बाउल में निकाल के इसका रेशा हड्डी से बिल्कुल अलग कर लेंगे। हमें इसमें 3 मीडियम, व्यूअर्स मैं आपको बताना भूल गई थी, हमें इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलू हमने बॉईल करके ही मैश कर लिए हैं, और ये मेरे पास चेडर चीज़ है, अगर मुजरेला चीज़ हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने चेडर चीज़ लिए, ये तकरीबन 1 से 1.5 कप है, हम इसमें से इस्तेमाल करेंगे। ये 2 चीज़ें भी इसमें लाजमी पड़ेंगी, मैं ये चीज़ें बताना भूल गई थी, ये लाजमी पड़ेंगी और इससे पूरी रेसिपी कम्प्लीट होगी। व्यूअर्स, हमने इसमें लेग पीस पे से जब ये गल गया तो हमने इसकी हड्डी पे से सारा गोश्त अलग करके हल्का से मैंने इसको चॉपर में ग्राइंड कर लिया, बहुत बड़े बड़े रेशे थे। अब मैं इसकी हड्डियाँ जो थी हमने साफ़ करके अलग रख ली, इसी पे हम ये रेसिपीज बनाएंगे, ड्रम स्टिक तैयार करेंगे। ये 3 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू जो मैंने मैश कर लिए थे बॉयल करके, अब इसमें हमने नमक नहीं डाला था, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून से कम नमक है, ये चिकन डाल लेंगे इसमें, अच्छा, और ये हरा धनिया डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे, इसको हम अच्छी तरह मैश करेंगे। हाथ मैंने अच्छी तरह धो ली, साफ कर ली, जब भी कोई काम ऐसा करें खाने पकाने का अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें, अगर आपको ये पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मिला लें। व्यूअर्स, मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स मिला लूँगी,
इससे थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा और ये हड्डी पैसे अलग नहीं होगा। इसको बस अभी इसको लेग पीस पे लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हथेली को तेल लगा लिए और ये हमने बड़ा सा, पहले हम इसके हिस्से कर लेंगे कि हमारे पास 6 लेग पीस हैं, ये पूरे हो जाए। थोड़ा सा हम ये छोटा लेंगे। इसको हमने बिल्कुल कोफ्ते की शक्ल, उसके अमेजी के रंग फैला के हमने इस पर 1 टेबल स्पून चीज़ रखनी है थोड़ी सी, ये देखिए ये रख के, और इसके बीच में अब हम इस तरह के लेग पीस रख देंगे। बहुत इसको एहतियात से बंद करेंगे, थोड़ा सा ये ऊपर से लगा देंगे। अब हम ये इसी तरह दूसरा तैयार करेंगे, देखिए। फिर दोबारा हमने हथेली पे तेल लगाया और ये इस तरह, पहले आपने इसको ऐसे फैलाया कोफ्ते की रंग। अभी हमने दूसरा लिया लीवर्स, इसको ऐसे कोफ्ते की तरह फैला के हमने चीज़ रख दी इसमें, ठीक है। फिर हम दोबारा एक लेग पीस की हड्डी लेंगे, इसको बिल्कुल इस तरह बीच में, आप इसको लॉलीपॉप्स भी कह सकते हैं, इस तरह से हमने, देखिए ये देखिए कितनी अच्छी तरह से होगी। इसको हम जब तैयार कर लेंगे तो 10 मिनट हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। व्यूअर्स, ये हमने 15 मिनट फ्रीज़र में रख दिए थे, अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम इस पर, हम इसको मैदे से कोट करेंगे, मैदा लगाएंगे इस पर, फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे बहुत अच्छी तरह। फिर ये ब्रेड क्रम्स में, इसमें करके हम सारे ही रख लेंगे। इसी तरह हम सारे ये कोट करके रख लेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, हमने तेल को गरम करने रख दिया था, हम इसमें एक एक करके, एक से दो जितनी भी आ जाओ, बहुत इसमें दोनों चीज़ें हमारे पास बॉइल वो है, गली हुई है, चिकन भी बॉइल हुई, बस इसको हम पास हमने फ्राई करना, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ड्रमस्टिक तैयार हो गए, कितना प्यारा ये गोल्डन कलर आए। इसी तरह हम और बाकी सारे ड्रमस्टिक तैयार कर लेंगे, ये देखिए प्यार से डालेंगे। आप चाहें तो इसका रेशा करके भी आप इसको आलू के साथ बना सकते हैं, मगर मैंने थोड़ी आसानी के लिए इसको चॉपर में हल्का सा इसको ग्राइंड कर लिया। फिर ये लीजिए व्यूअर्स, हमारी चिकन ड्रमस्टिक तैयार हो गई हैं। शक्ल से देखिए कितनी अच्छी हैं, इतना कलर कितना अच्छा है। मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अभी ये थोड़ी सी गर्म है, ये देखिए देखिए चीर, ये इस तरह से। आप इसको ट्राई करिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।